इसराइल और हमास के बीच जारी सैन्य संघर्ष से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए इसराइल को चारों ओर से घेरे हुए है। लेबनान से हिजबुल्ला तो इराक से इस्लामिक समूह, वहीं यमन की हूती तो सीरिया के प्रतिरोधी गुट सब मिलकर इसराइल पर हावी हैं। इस बीच इसराइल और ईरान भी एक बार आमने सामने हो चुके हैं। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान लगातार अपने सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा है। इस कड़ी में ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी खासा चर्चा में रहा। अमेरिका लगातार इस पर कई दावे करता आया है। इसके जवाब में ईरान भी सिरे से खारिज करता रहा है। एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने बताया कि ईरान ने कई बंदिशों को दरकिनार कर अपना परमाणु हथियार बनाने का सिलसिला जारी रखा है। ऐसे में अगले एक से दो हफ्ते के अंदर ईरान अपना खुद का परमाणु हथियार बना लेगा। They haven't developed a weapon Just itself. 1 or 2 weeks. That's one or two weeks correct, is probably what the realistic breakout time is. They haven't produced a weapon itself, but that's something, of course, that we track very, very carefully. And you put those two things together, the fissile material, an explosive device, and you have a nuclear weapon. So we're focused on that. What we've seen in the last weeks and months is Iran that's actually moving forward with this program. So the first thing we need to see If Iran is serious about engaging. बता दें कि अमेरिका की शुरू से ही नीति ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की रही है। अमेरिका कूटनीति के माध्यम से भी कई बार ऐसा होने से रोकने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अमेरिका की ओर से ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाकर उसके परमाणु कार्यक्रम के अभियान में बाधा डाली गई। दावा किया जाता है कि ईरान ने भी गुपचुप तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम का अभियान युद्ध स्तर पर जारी रखा। माना जाता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए परमाणु कार्यक्रम को जारी रखता आया है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री का आकलन ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान ने हाल में अपने परमाणु उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान की क्षमताओं में तेजी के लिए परमाणु समझौते के टूटने को असल जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने साल 2018 में ईरान परमाणु समझौते से एक तरफा रूप से खुद को अलग कर लिया था। खास बात है कि इस समझौते को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने के बदले में ईरान की परमाणु गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ईरान परमाणु समझौते को फिर से शुरू करने के लिए एक साल से ज्यादा समय तक ईरान के साथ पर्दे के पीछे बातचीत कर रहा था। दावा किया जाता है कि अमेरिकी प्रयास बेअसर साबित हुए थे। गौरतलब है कि हाल में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा था वे पश्चिम के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उनका मकसद ईरान को उसके अलगाव से बाहर निकालना है। वह ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच साल 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के पक्ष में है। इस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि उन्हें अब उम्मीद नहीं है कि परमाणु समझौते में वापसी हो सकती है। हम एक बहुत ही अलग दुनिया में हैं। बहुत समय बीत चुका है। ईरान ने बहुत सी चीजें की हैं जो समझौते में वापसी को अव्यवहारिक बनाती हैं।